डीडी फ्री डिश से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें जानकारी कुछ हटके चैनल को, बेल आइकन भी दबाएं और वीडियो को करें लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जानकारी कुछ हटके पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टार उत्सव चैनल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को स्टार उत्सव की पूरी हिस्ट्री बताएंगे कि स्टार उत्सव जो है कब से लॉन्च हुआ, इसकी क्या जो इतने दिनों का इसका सफ़र कैसा रहा और इसके पूरे बारे में हम डिटेल बताएंगे। बस आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी देवी जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको डीडी फ्रीजी डीटीए संबंधी सारी अपडेट मिलती रहती हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्टार उत्सव हमारे डीडी फ्रीडिश पर चलता है और काफ़ी सुपर हिट ये चैनल है डीडी फ्रीडिश ग्राहकों के लिए। तो हम इसकी लॉन्च डेट की बात करते हैं, इसको शुरू से हम बताएंगे इसकी पूरी स्टोरी। तो ये लॉन्च किया गया था हमारे लिए 2004 में, 7 जून 2004 में स्टार इंडिया की तरफ से स्टार उत्सव चैनल फ्री टू एयर लॉन्च किया गया था। और हम बता दें ये खासकर हमारे लिए डीडी फ्रीडिश के ग्राहकों के लिए ही लॉन्च किया गया था, क्योंकि 2004 में ही डीडी फ्रीडिश लॉन्च किया गया था। तब स्टार इंडिया ने स्टार उत्सव को फ्री टू एयर के लिए डीडी फ्रीडिश पर लॉन्च किया गया। और उसके बाद में इस पे जो हम तो इसकी हम प्रोग्राम की बात करें तो इस पे स्टार इंडिया के रिपीटेड शो, स्टार प्लस, लाइफ ओके, स्टार वन जैसे चैनल के इस पे रिपीट शो दिखाए जाते थे, जो हमें स्टार प्लस पे शो देखने को मिलते थे। उसके कुछ दिनों बाद वो स्टार उत्सव पे चलाए जाते थे डीडी फ्रीज के ग्राहकों के लिए। और ये हमारे लिए 2004 में जब से लॉन्च हुआ तब से इस पे स्टार प्लस के शो आए और कार्टून के भी शो आए और बच्चों के जो अच्छे अच्छे शो थे वो भी इस पे चलाए गए। बच्चों का पसंदीदा चैनल स्टार उत्सव हुआ करता था उन जमाने में। और उसके बाद में ये उस दिनों में डीडी फ्रीज पर छोड़कर भी गया, कई बार वापस भी आया। और इसने 2010 में अपना लोगो एक बार फिर से चेंज कर दिया, जो कि आपके सामने हम दिखा रहे हैं पहले के लोगे और जो अब 2010 से इसका लोगो है। उसके बाद 2010 से इसने अपना लोगो चेंज किया। उसके बाद में ये 2015 में इसमें कुछ बदलाव किए गए और उसके बाद में ये हमारे लिए डीडी फ्रीज पर लगातार बना रहा। और उसके बाद ये जो 2019 में ट्राई के ऑर्डर के बाद में डीडी फ्रीज को प्लेटफार्म को छोड़ दिया और उसके बाद इसकी टीआरपी काफ़ी नीचे चली गई। और उसी दौरान इसको एक फ्री टू एयर चैनल से पेड चैनल बना दिया गया, जिसकी कॉस्ट 10 पैसे शायद रहती है। और उसके बाद 2019 में इस छोड़कर जब चला गया तब इसकी टीआरपी काफ़ी नीचे चली गई, क्योंकि इसको जो है डीडी फ्रीज पर अधिक लोग देखना पसंद करते हैं। तो उसके बाद स्टार इंडिया ने एक बार फिर से फैसला लिया और हमारे लिए जून 2020 से इसको डीडी फ्रीज पर फिर से वापस किया गया। अब इस पर जो है स्टार प्लस के रिटिट शो दिखाए जा रहे हैं और ये टीआरपी भी अच्छी गेन कर रहा है। तो यही थी इसकी स्टोरी 2004 से लेकर 2020 तक, फुल स्टोरी आपने आपको बताई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हमें से कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।